हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट यस्टरडे। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले मैजिक ट्रिक से करवाऊंगा स्टार्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो मैजिक ट्रिक टेबल मैंने कैसे फॉर्म किया था, कैसे मैंने उसको फॉर्म किया था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, students. I would like to inform you, in case you have any answer to any question, then there is a button on the top right corner, the first button, which is a question mark, which has a question mark on it. Please click on it, type the answer, and press the arrow key, and you will be able to reply to what sir is asking you. So, in case you have any queries, you can ask sir through the question mark button. Only and sir will be answering whenever, as and when it will be possible. So any doubts you have, you can ask from there only. It is the question mark button on the top right corner. It is the first button. Click on it, type the answer, and click on the button which is the arrow key, or you can press the enter if you are on the laptop. Thank you. Thank you, sir. You may continue, please. Thank you. Okay, man. Thank you. हाँ जी, magic trick में मैंने आपको बताया था 1 to 15 तक आपको कोई भी नंबर सोचना है, और फिर आपने आप इससे किसी को भी सरप्राइज कर सकते हो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आप फ्रूट्स में भी कर सकते हो, नेम्स में भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। आज मैं आपको अच्छे से नंबर वाला समझा देता हूँ, फिर आप इसको जो है बाकी चीज़ों में भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने, जैसे आपने कल देखा होगा, मैंने 4 कॉलम बनाए थे, ABCD। जो ये 4 कॉलम में जो मैंने फर्स्ट रो में नंबर्स लिखे थे वो इम्पोर्टेंट है। उनमें मैंने लिखा था 1, 2, 4, 8, यानी कि ये हमें पैटर्न फॉलो करना है 1, 2, 4, 8 वाला। इसी से हमारा ये टेबल जो है वो कंटिन्यू होगा। क्या है ये हमारा 1, 2, 4, 8? 1, 2, 4, 8 से हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में जो है नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे, मैं पहला कॉलम लिख रहा हूं, इसमें आपको सारे 1 से स्टार्ट करना है और ऑड नंबर लिखने हैं। 1, 3, देन 5, देन 7, देन 9, अप टू 15। आपको ये 15 तक करना है। इलेवन, 13 एंड 15। जो सेकंड कॉलम है उसमें आपने 2 से स्टार्ट करना है। 2 मैंने लिखा इसलिए है 2 स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये 2 से स्टार्ट करना है, और इसमें आपको दो दो नंबर ही लेने हैं पेयरिंग में। जैसे आपने 2 और 3 लिया, फिर बीच में आपको दो नंबर छोड़ने हैं, 4 और 5 आपको स्किप करना है, फिर आपने 6 और 7 लेना है, फिर उसके बाद आपको फिर दो नंबर छोड़ने हैं, 8 और 9, फिर आपको 10 और 11 लेना है, फिर आपको दो नंबर छोड़ने हैं, 12 और 13, फिर आपको लिखना है 14 एंड 15। उसके बाद जब हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी में हम 4 से स्टार्ट करेंगे, और 4-4 नंबर का जो है ग्रुप लेंगे, पहले 5, फिर 6, फिर 7। हमने 4 नंबर का ग्रुप ले लिया। कंजेक्टिव नंबर लेने हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर लेने हैं, 4, 5, 6, 7। फिर आपको नेक्स्ट 4 नंबर छोड़ने हैं, 8, 9, 10, 11 आपको छोड़ना है, फिर आपको लिखने हैं 12, 13, 14 और 15। आपके लास्ट रो में सारे नंबर 15 ही आने चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है आपने। स्टार्टिंग 1, 2, 4, 8 से होगी, वो आपको याद रखने के लिए है कि पहले कॉलम में 1 एक सिंगल सिंगल नंबर लेने हैं, दूसरे वाले में 2 का ग्रुप लेना है, तीसरे वाले में 4 का ग्रुप लेना है, और लास्ट वाले में हम 8 का ग्रुप लेंगे। 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 के बाद 9 आता है, देन 10, देन 11, देन 12, देन 13, 14 एंड 15। इस तरीके से आपने ये टेबल बना लेना है। अब आप अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बोल सकते हो कि एक नंबर सोचो, फिर वो नंबर सोचेगा, फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या नंबर सोचा है? तो मैं अभी देख लेता हूँ, अगर क्लास में हो पाता है पॉसिबल, किसी से हो सकती है मेरी इंटरेक्शन, आयुष से कर लेता हूं मैं। आयुष, थिंक के नंबर
ओके सर. ओके, वेदर इट इज इन फर्स्ट कॉलम? नो सर. सेकंड कॉलम? यस सर. थर्ड कॉलम? यस सर. फोर्थ कॉलम? नो सर. सो इट इज सिक्स, एम आई राइट? यस सर. हाँ जी, तो आपको करना क्या है, आपने उस अपने कंपेनियन से पूछ लेना है कि कौन सा नंबर उसने सोचा है. जैसे आयुष ने सिक्स सोचा था, तो आपने देख लिया फर्स्ट कॉलम में नहीं आ रहा, आयुष ने बोला नो, तो मैंने उसको छोड़ दिया. फिर इसने बोला कि सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो मैंने सेकंड कॉलम का ये वाला नंबर उठाना है, टू. आप देखिए मैंने यहाँ पे टू लिखा है. फिर इसने बोला कि थर्ड कॉलम में आ रहा है, फिर मैंने इसका फर्स्ट नंबर उठाना है फोर. फिर इसने बोला फोर्थ कॉलम में नहीं आ रहा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया. फिर मैंने इन दोनों का टोटल करना है, यू विल गेट दैट आंसर. जो इसने सोचा होगा वही आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आपको यही काम नेम्स के साथ करना है, आपने 15 अपने फ्रेंड्स के नेम लिख लेने हैं, लेकिन उस केस में आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी पड़ेगी नंबरिंग वाइज. जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप इसको अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो. जैसे मान लो मैंने पहले नंबरिंग कर ली मास्टर की के लिए, यहाँ पे मैं मास्टर की लिख रहा हूँ. तो इसके लिए आपने नंबरिंग कर लेनी है 1, 2, 3, 4, ऐसे 15 तक नंबरिंग कर लेनी है. जैसे मान लो अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है, श्रेया लिख लिया, रूही लिख लिया, इस तरीके से आपने नेम्स लिख लेने हैं 15 लोगों के. फिर जब आपका फ्रेंड वो नेम सोचेगा, तब आपने जब ये टोटलिंग कर लेनी है, फिर आपने देख लेना है कि 6 सीरियल नंबर पे कौन सा नेम है, वही उसका आंसर होगा. ठीक है. और एक आपको यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको आपने बोलना है कि वो सीरियल नंबर देखे, जो भी नेम सोचा है उसका वो सीरियल नंबर याद रखे, और सीरियल नंबर आपने यहाँ पे ढूंढना है. ठीक है जी. इस तरीके से आप जो है ये नेम्स के साथ भी कर सकते हो, फ्रूट के साथ भी कर सकते हो, कलर्स के साथ भी कर सकते हो. ये जो एक्टिविटी है, ये मैजिक ट्रिक आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हो, वट एवर यू वांट. ठीक है जी. तो अभी चलिए हम आगे चलते हैं. आई थिंक सबको ये समझ आ गया होगा कैसे ये बनाना है. इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको हम 31 नंबर तक भी कर सकते हैं, उससे बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा आपके लिए, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिमिटेड रखा है 15 नंबर्स तक. तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने ऊपर टॉप रो में लिखा है 1, तो आपको जो है सारे ऑड नंबर लिखने हैं, यानी एक एक नंबर लेना है, सिर्फ ऑड लेना है. सेकंड वाले में मैंने टॉप पे लिखा 2, तो आपने 2 का ग्रुप लेना है, 2 और 3 लेना है, नेक्स्ट 2 छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, फिर नेक्स्ट 2 लिखने हैं, फिर नेक्स्ट 2 छोड़ने हैं, ऐसे आपको 15 तक जाना है. ऐसे सी में करना है, सी में टॉप में मैंने लिखा 4, तो आपको 4 की ग्रुपिंग करनी है, 4, 5, 6 लिखना है, 4, 5, 6, 7 लिखना है, फिर 8, 9, 10, 11 छोड़ना है, फिर 12, 13, 14, 15 लिखना है, और लास्ट वाले कॉलम में आपको 8 से स्टार्ट करना है, 8, 9, 10, 11, फिर आपको 12, 13, 14, 15 जो है करना है. सुरभि मैम आप भी एक नंबर सोच लीजिए. सुरभि मैम चलो, सुरभि मैम से बात नहीं हो पा रही है. चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं. तो आज जो है हम थोड़ा सा करेंगे वैदिक मैथ्स के बारे में. एक्चुअली में मैं पहले आपको बता दूं कि वैदिक मैथ्स मैथमेटिक्स है क्या है और ये कैसे डेवलप हुआ है. एक्चुअली आपको पता है कि वेद होते हैं हमारे, उन वेदों में एक अथर्वा वेद है, आप लोग सब लोगों ने नाम सुना हुआ है अथर्वा वेद. ये जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स है, ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, अथर्वा वेद से, इसलिए इसको वैदिक बोलते हैं, वेद से ही इसको वैदिक बोलते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स. एक्चुअल में ये जो हमारे वेद हैं, ये संस्कृत में हैं, तो इसलिए इसको रीडिस्कवर किया गया था. कब इसको रीडिस्कवर किया? 1911 टू 1918 के बीच में. किसने डिस्कवर किया है, मैं नाम लिख देता हूँ, श्री भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज थे, श्री भारती
कृष्णा तीर्थ जी महाराज, इन्होंने इसको संस्कृत से जो है एक शॉर्ट फॉर्म में डेवलप किया, रीडिस्कवर किया। ये इन्होंने काम 1911 से 1965 के बीच में किया था, सॉरी 1918 के बीच में किया था। 1965 में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से, लेकिन उसके बाद जो है इनको थोड़ा कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई थी आईज में, तो इन्होंने फिर वो उसको आगे कंटिन्यू कर नहीं कर पाए और 1965 में ही इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो 16 सूत्रास पर बेस्ड है, और इसके अलावा इसमें 13 सब सूत्रा है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि उप फॉर्मूला सब सूत्रा। लेकिन ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको इनके ओरिजिनल फॉर्म में कोशिश करेंगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इनके शॉर्टकट्स होते हैं, हम उन शॉर्टकट्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीपल एडिशन के, कल मैंने आपको कुछ एक दो टिप्स दिए थे, आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कोई भी ऑपरेशन लगाना है मैथमेटिक्स का, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो डिवीजन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, उसमें आपको नंबर्स के बारे में, नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और पर्टिकुलरली नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये हमारे दिमाग में आए कैसे, एक्चुअल में ये गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, वो चीज जो हमें नेचर ने दी है, नेचुरली हमारे इंसान के दिमाग में आए हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अभी आप देखो कि जब एक बच्चा छोटा होता है, 1.5-2 साल का होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती नंबर्स के बारे में, उसको कोई नॉलेज नहीं होती अल्फाबेट्स के बारे में। हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके दिमाग में फीडिंग करते हैं। जैसे आप एक नया लैपटॉप ले लो या आप एक नया मोबाइल ले लो, तो उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, उसमें कोई ऐप नहीं होती। हम क्या करते हैं, सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है। सेम जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग की जाती है, फीडिंग की जाती है। किस चीज़ की फीडिंग की जाती है, नंबर्स की। पहले हम बच्चे को अलग अलग आर्टिकल दिखाकर बोलते हैं 1, 1, 1, फिर बच्चा 1, 1 सीख जाता है, फिर हम 2, 2 स्टार्ट करते हैं, फिर 3, 3 करते हैं, आस्ता आस्ता बच्चे की प्रोग्रेस होती रहती है। फिर वो प्री नर्सरी में जाता है, ठीक है, फिर उसको 10 तक पहुंच जाता है, 7, 8, 9। जब सारे जो घर में मेंबर्स होते हैं सारे सारा दिन यही काम करते हैं, यही उनका फन होता है कि बच्चे को नंबर सिखाना, ठीक है। मम्मी पापा, कोई घर में दादी दादा, कोई गेस्ट भी आ गया, ठीक है, मान लो बुआ आ गई, चाचा आ गए, सब ने से बेटा 1, 2, 3 उसे काउंटिंग सुनना स्टार्ट कर देंगे। और जब 10 तक पहुंच जाएंगे, वेरी गुड क्लैपिंग करते हैं सभी लोग की 10 तक सीख गया बच्चा। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस क्या है, 3-4 महीने 5-6 महीने का जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि हम उसके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं नंबर्स के साथ, और यहीं से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होती नंबर्स क्या है, तो यहाँ से जो है हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो पहली बात तो हम ये सीखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये बनती कैसे है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं 7, 7, 7, 7, मैंने यहाँ पे 7 जो है वो 8 टाइम लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 7 + 7 = 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एक शॉर्ट प्रोसेस है एडिशन का, कैसे हम काउंट कर लेते हैं कि 7 कितने टाइम लिखा हुआ है, 8 टाइम्स, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 56 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये ओरिजिन है। अभी हम सीखेंगे
छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन से फिर मैं आपको थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा। तो पहले हम कुछ कंडीशनल मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे जिनके लिए पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करते हुए ही हमने आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो कंडीशनल नंबर है, कंडीशनल मल्टीप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट जो कंडीशनल है वो है मल्टीप्लीकेशन विद 5, मल्टीप्लीकेशन विद 5। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 26 इंटू 5, नेक्स्ट 48 इंटू 5, नेक्स्ट 228 इंटू 5, नेक्स्ट 1024 इंटू 5। इनको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपने करना क्या है, जस्ट इस नंबर को हाफ करना है। 26 का हाफ कर दो 13 और इसके साथ जीरो लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपने 48 का हाफ करना है 24 और उसके साथ जीरो लगा देना है, यू विल गेट योर आंसर। आपने 228 का हाफ करना है 114 और इसके साथ जीरो लगा देनी है, यू विल गेट योर आंसर। फिर आपने 1024 का हाफ करना है 512 और इसके साथ जीरो लगा देनी है। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करना इतना आसान होता है कि जस्ट आपको उसका नंबर का हाफ करना चाहिए, आना चाहिए, आधा करना आना चाहिए, अगर आप ऐसा कर पाते हो। अच्छा, बेसिकली देखिए क्या है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो इंडिया की देन है, लेकिन हम ही लोग इसको यूज नहीं करते हैं, हम ही लोग इसमें पीछे हो जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं मैथमेटिक्स क्या है, जबकि ये हमारा खुद का ओरिजिनेटेड जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सारी दुनिया को हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसलिए इसके शॉर्टकट आपको सीखने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 5 से मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। मेरा एक स्टूडेंट है वो स्कॉटलैंड पढ़ता है, आज से 2-3 साल पुरानी बात है, तो वो इंडिया में आया तो वो बता रहा था मेरे को कि वहाँ पे जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं हमारे साथ स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि इंडियन की कैलकुलेशन जो है वो बड़ी फास्ट होती है। क्यों? हमारे तो खून में ही मैथमेटिक्स है, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा एक कहते हैं झोंक लगाना है, तड़का लगाना है बस वैदिक मैथमेटिक्स का, तो कुछ से कुछ हो सकता है, कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। बेसिकली कैलकुलेशन फास्ट का क्या प्रोसेस है, हम कमांड देते हैं पहले, हमारा माइंड कमांड किसको देता है, हमारे हैंड को, फिर वो लिखना स्टार्ट करता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम बिना अपने हैंड को कमांड दिए, हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो बिना हैंड दिए ही आप मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे करोगे दिमाग में? अब जैसे यहाँ पे है 26 का हाफ करना है, आपने माइंड में कर लो 13, साथ में जीरो लगा दो। 48 का हाफ करना है 24, साथ में जीरो लगा दो। मतलब जो बीच में हमारा हैंड है हमने उसको जो है साइड में करना है। अगर आप ऐसा कर जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, सुपर फास्ट। हाँ जी, नेक्स्ट 5 से। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है 5 की मल्टीप्लिकेशन में कि अगर यहाँ पे तो मैंने जल्दी जल्दी से हाफ कर दिया क्योंकि सारे इवन नंबर थे, अगर हमारे पास नंबर ऑड आ जाए फिर हम क्या करेंगे? जैसे ये देखो 83 इंटू 5 है, अब यहाँ पे तो ऑड नंबर आ गया, अब हम क्या करें? आपने क्या करना है, ऑड को इवन बना लेना है, एक कम कर देना है। 82 हो गया, 82 का आपने हाफ करना है 41 और साथ में आपने 5 लगाना है। अब जीरो नहीं लगाना, 5 लगाना है। फिर नेक्स्ट नंबर मान लो, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 35 इंटू 5। 35 में से 1 मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 17। अब 17 के साथ मैं 5 लगा दूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 225। अब 225 है, अब ऑड है, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 224। इसका मैं हाफ करूंगा 112 और साथ में 5 लगा दूंगा, आई विल गेट माई आंसर। आप भी इस तरीके से 5 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। आप बस आपको जस्ट इतना चेक करना है कि आपका नंबर ऑड है कि इवन है। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी छोटा नंबर हो, 5 से कैलकुलेशन करने का ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप उसका हाफ करो। अगर ऑड है तो 1 हटाकर 1 माइनस कर हाफ करो, अदरवाइज स्ट्रेट वे उसको हाफ करो और
आप अपना आंसर निकालो। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन विद। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, 5 की जो है आप कर सकते हो। कुछ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 38 × 5। पहले कुछ मैं इवन वाले लिख देता हूँ, फिर ऑड वाले लिख देता हूँ, फिर 58 × 5, 66 × 5, 78 × 5, 84 × 5। बड़े बड़े नंबर भी आप लिख सकते हो, 112 × 5, 148 × 5। आप अपने नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट 109 × 5 ऑड वाले हैं ये, 63 × 5, 47 × 5, 33 × 5, 151 × 5, 101 × 5, 213 × 5। ये ऑड वाले हैं, ऊपर वाले मैंने इवन वाले लिखे हैं, तो आप जो है इनको कैलकुलेट कर सकते हो अपने एंड पे। माइंड में कैलकुलेट करना है, कोशिश करो। अभी देखिए स्टार्टिंग में तो आपको पेन और नोटबुक यूज करना पड़ेगा, लेकिन आस्ता आस्ता प्रैक्टिस के साथ आप इसको स्किप कर सकते हो। प्रैक्टिस इसकी भी आपको करनी पड़ेगी, एक बारी तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस चीज का कौन सा शॉर्टकट है, उसके बाद जो है आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय 11। स्पेसिफिकली अगर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो अब हम कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 11। हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन बाय 11 बड़ा इजी है ये शॉर्टकट। 13 × 11, आपने किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आपने क्या करना है, उस नंबर के डिजिट्स का टोटल कर लेना है। इसके डिजिट्स का टोटल करो, कितना आ रहा है, 1 + 3 = 4। आपने इन दोनों नंबर्स के बीच में इस 4 को प्लेस कर देना, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। 1 और 3 के बीच में 4 आपने इंसर्ट कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट 25 × 11, 2 और 5 का टोटल 7 होता है, ये बन जाएगा 2 × 7 = 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 36 × 11, 3 और 6 का टोटल 9 होता है, 3 × 9 = 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 72 × 11, 7 और 2 का टोटल करना है 9, 7 × 9 = 6, ये 3 है। नेक्स्ट 44 × 11, 8 आ गया इसका टोटल, 8 इंसर्ट कर दो, 484। नेक्स्ट 78, ये थोड़ा सा और मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ पहले, फिर उसको करते हैं आगे। एक मैं आपको बड़ा नंबर लेकर बताता हूँ, उसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो जाती है। जैसे 425 × 11 है, आपने क्या करना है, लास्ट वाला नंबर सेम लिखना है, ये 5 आपने एज इट ही लिख लेना है, ये 5 यहाँ पे लिख लिया मैंने। फिर आपको इस 5 में इसका एडजेसेंट नंबर ऐड करना है, 2 + 5 = 7। फिर 2 के अंदर आपको इसका एडजेसेंट नंबर ऐड करना है, 6, ये हो गया। फिर आपको लिखना है लास्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाला 4 6 7 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बड़े नंबर्स में आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 114 × 11, लास्ट वाला नंबर आपने सेम लिखना है, 1 और 4 को ऐड करना है 5, फिर 1 और 1 को ऐड करना है 2, और फर्स्ट नंबर ऐसे लिख देना है 1 2 5 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 125 × 11, कुछ और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 125 × 11, पहले 5 आपने ऐसे लिख दिया, नेक्स्ट 5 में 2 ऐड करना है 7, फिर 2 में 1 ऐड करना है 3, और फिर 1 ऐसे लिख देना है, 1 3 7 5, जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 57 × 11,
सेवन आपने ऐसे लिख दिया। अभी यहां पे थोड़ा सा ट्रिक डिफरेंट हो गया, जब आप इनका टोटल करोगे फाइव और सेवन का ट्वेल्व आ जाता है। ये टोटल कितना है हमारे पास? ट्वेल्व। अब हम क्या करें? ठीक है जी, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये टू को यहां पे इंसर्ट करना है, ये वाले टू को, और इस वन को आपने कैरी करके इस फाइव में लेके जाना है, तब ये बन जाएगा 627। ये तब है जब आपके नंबर्स का डिजिट्स का टोटल मोर देन 10 आ गया, तब आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। ऊपर वाले में मैंने आपको बताया जब बड़े नंबर हो तब आपको कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है बाय 11। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं यहां प्रैक्टिस के लिए, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 142 इंटू 11, 176 इंटू 11, 119 इंटू 11, 114 इंटू 11, 125 इंटू 11, 176 लिख दिया मैंने, 199 हो गया, 125 भी हो गया, 137, ठीक है चलो बहुत है, चलो कुछ छोटे नंबर भी लिख देता हूँ, 32 इंटू 11, 23 इंटू 11, 17 इंटू 11, 26 इंटू 11, 32 इंटू 11, 45 इंटू 11, 56 इंटू 11, आई थिंक बहुत है प्रैक्टिस के लिए। कुछ नंबर जो है आप खुद से भी सोच सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड ट्रिक जो है वो किसके लिए है? टू कंजेक्टिव ऑड और इवन नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंजेक्टिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, 11 इंटू 13 ये हमारा क्वेश्चन है। आप चेक कर सकते हो कि 11 और 13 इकट्ठे आते हैं नेचुरल नंबर में, इकट्ठे नंबर होने चाहिए तभी आप ये ट्रिक अप्लाई कर पाओगे। इसमें क्या करना होता है आपको, इन दोनों का मिडल नंबर लेना है, इन दोनों का मिडल नंबर कितना है? 12। और इस ट्रिक के अंदर आपको स्क्वेयरिंग भी याद होनी चाहिए, और आप मेरा मानना यह है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को 30 तक स्क्वेयरिंग तो वैसे ही याद होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है मैं यहां लिख भी देता हूं 30 तक स्क्वेयरिंग, वैसे तो 40 50 तक भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम 30 तक तो आपको आनी चाहिए। 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, 4 स्क्वेयर 16, 5 स्क्वेयर 25, 10 तक तो सभी लोगों को आती है, 36। कल हम स्क्वेयरिंग ही करने वाले हैं, कल मैं आपको स्क्वेयरिंग का भी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन स्क्वेयरिंग भी आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको बेसिक कम से कम 20 नंबर की स्क्वेयरिंग तो आपको आनी चाहिए। कोई भी आपको ट्रिक अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले आपका बेस अच्छा होना चाहिए। 11 स्क्वेयर 121, 12 स्क्वेयर 144, 13 स्क्वेयर 169, 14 स्क्वेयर 196, 15 स्क्वेयर 225, 16 स्क्वेयर 256, 17 स्क्वेयर 289, 18 स्क्वेयर 324, 19 स्क्वेयर 361, 20 स्क्वेयर 400, 21 स्क्वेयर 441,
22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 2729, 28 square 784, 29 841, और 30 900। कम से कम हम आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। चलिए, ये हमारा ट्रिक जो है वो स्केरिंग पर बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको स्केयर्स बताए। कल बाकी मैं आपको इनको शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे हमें जो है इनको सीख करना है कैलकुलेट। अभी कुछ और नंबर ले लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। 13 × 15 ही ले लेता हूँ मैं। 13 × 15 और 15 का मिडल नंबर उठाना है आपने, जो इनके बीच में है वो है 14। 14 का स्क्वेयर करेंगे 196। अच्छा, ये कर रहे थे हम 12 स्क्वेयर, और इसमें से आपने माइनस कर देना 1, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 143। अब यहाँ पे देखो आप 13 × 15, आपने मिडल नंबर उठाना है, मिडल नंबर है 14। 14 स्क्वेयर माइनस 1, 196 माइनस 1। अभी देखो मैं इतना लिख लिख के कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बताने के लिए कर रहा हूँ, ट्रिक समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको माइंड में ही कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, पेन और नोटबुक यूज नहीं करता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सिर्फ इसको जो है अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है। वो एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने पे आएगा। तो आपको इन ट्रिक्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि जब भी आपको फ्री टाइम मिले इनकी प्रैक्टिस करो। 29 × 31, इनका मिडल नंबर है 30। 30 का स्क्वेयर 900, 900 माइनस 1, 899, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने एकदम से निकाल दिया, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हो, बस सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको। 899। नेक्स्ट है हमारा, और एग्जांपल ले लेते हैं, 39 × 41। अभी 39 और 41 का मिडल नंबर जो है वो 40 है। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, 1600 माइनस 1, 1599, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप यही ट्रिक जो है इवन नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। 12 × 14, अब इनका मिडल नंबर है 13। 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 1, 168 आंसर। ये तभी कर पाओगे जब आपको स्क्वायर याद होंगे, तो 30 तक आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है। 24 × 26, 24 का जो स्क्वायर इनका मिडल नंबर है 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 माइनस 1, 624 हमारा आंसर आ जाएगा। 34 × 36, इनका मिडल नंबर है 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 12225 माइनस 1, 1224। तो मैंने आपको मेथड बताया है, वो मेथड आपने याद रखना है। मिडल नंबर स्क्वायर माइनस 1, चाहे वो इवन नंबर है चाहे वो ऑड नंबर है, आपने मिडल नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करना है और माइनस 1 करना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी दो कंजेक्टिव नंबर आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए, आप उसको इस मेथड से कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 6 × 8, छोटे छोटे नंबर ले लो, ठीक है। 16 × 18, 15 × 17, 23 × 25, 27 × 29, 14 × 16, 20 × 22, 24 × 26। हाँ जी, अब हम एक और जो है कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जिसमें हमें पर्टिकुलरली नंबर्स जिनमें 9 होता है उनसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन, अभी मैं यहाँ पे नीचे नंबर लिख देता हूँ।
आपको उसी से समझ आ जाएगा। जैसे 47 × 99 है, पहले मैं ये नंबर लिख देता हूँ सारे, कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इनको शॉर्ट में करना बताऊंगा। 73 × 99, फिर उसके बाद 786, बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं 999, फिर 8546 और बड़ा नंबर ले लेता हूँ × 4×9, फिर और बड़ा नंबर ले लेता हूँ 999 × 9999, नेक्स्ट और बड़ा नंबर ले लेता हूँ 17440 × 9999। अभी थोड़ा इसमें डिफरेंस है तो मैं बाद में इसको करूँगा। 15 6 3 2 3 × 9999 5 times। पहले मैं आपको इतनी सिखा देता हूँ, फिर इसमें एक और ट्रिक है, फिर मैं वो सिखाता हूँ आपको। तो आपको कैसे करना है ये ट्रिक वो देखिए। आपने करना क्या है, देखिए इन सब में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 99 99 999 4 times 9 4 times 9 4 times 9 5 times 9, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनमें 9 होता है। वो कैसे होगा, सबसे पहले आपने जिस नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर में से 1 माइनस कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है 46। ये मैंने दो नंबर लिख दिए हैं, अब इसमें दो नंबर और आएंगे। वो दो नंबर कैसे आएंगे, वो दो नंबर यहाँ पे आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएंगे, बड़ा शॉर्टकट मेथड है। आपने 4 को 9 में से माइनस कर देना है। 9 − 4 कितना था, 5। 9 में से ही करना है, फिक्स है। 9 − 6 कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर आ जाएगा 4653। दोबारा से सुन लो क्या ट्रिक किया मैंने। पहले जो नंबर है जिसको 99 से मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 माइनस कर देना है, 46 लिख दिया। फिर आपको जो 46 आया है इसके डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है, यू विल गेट योर नेक्स्ट टू डिजिट। 9 − 4 = 5, देन 9 − 6 = 3। चलिए अभी हम किसी बच्चे से पूछते हैं, ये आयुष से पूछता हूँ मैं। आयुष सॉरी बार बार आप ही को तंग कर रहे हैं। यस सर। 73 × 99 को ट्राई करो। ट्रिक समझ आ गई आपको? यस सर आ गई है। हाँ जी बताइए। 7200 बच्चे ट्रिक वाइज बताओ कैसे, जैसे मैंने ट्रिक बताया ना आप वैसे बताओ, पहला नंबर क्या आएगा कैसे। हाँ जी। 3 में से 1 माइनस कर दो, 72 आ जाएगा। हाँ जी। देन 9 में से 7 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा उसमें भी। हाँ जी। फिर 9 में से 3 माइनस करो, 6 आ जाएगा, 72। यस यस वेरी गुड आयुष, ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट है 786। चलिए ये हम बाकी लोगों से पूछते हैं, आप लोग रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में डालो मैसेज, बाकी लोग ट्राई करो सभी लोग। एक मिनट में अपना एक खोल लूं। सिमी का मैसेज आया है, हाउ टू लर्न टेबल। ओके, इसके लिए भी टेक्निक है, बच्चे बताएंगे वो भी आपको बता देंगे। कुछ बच्चे तो जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा था साथ के साथ कर भी रहे थे उसी को, जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए दिए कुछ बच्चों ने तो उनको सॉल्व कर दिया साथ के साथ। वेरी गुड। हाँ जी, ईशिता उपाध्याय, अलीशा सैनी, अनन्या ठाकुर, काफी लोगों ने ट्राई किया हुआ। वेरी गुड, ठीक है, गुड। सभी के मैं नाम अभी ले नहीं पाऊंगा, इतना टाइम की शॉर्टेज है। हाँ जी, 786 हमने क्या किया, इसमें से 785 1 माइनस कर दिया,
फिर आपको तीन प्लेसेस और फिल करनी है, तो 9 माइनस 7 टू, फिर 9 माइनस 8 वन, फिर 9 माइनस 5 फोर, यू विल गेट योर आंसर 7 8 5 2 1 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ट्राई कीजिए 8 5 4 6। ईशानी आपका रॉन्ग है आंसर, ईशानी का आंसर गलत आ रहा है। आयुष जैन ने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए इतने आंसर मैं देख नहीं पाऊंगा, काफी ज्यादा आंसर आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए एनीवे, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे 8 5 4 5 और फिर हम सेम वैसे फोर प्लेसेस फिल करेंगे, 8 माइनस 5 1, सॉरी 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 5 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 9 9 9 फाइव टाइम है, फोर टाइम है सॉरी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 9 9 8 बन जाएगा। अब आपको जो है नेक्स्ट फोर प्लेसेस फिल करनी है, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट, अभी देखिए ये जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए इनमें एक बात बड़ी आपको ध्यान रखनी है कि जितने मैंने 9 ले रहा हूँ उतने डिजिट मेरे मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर के होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे। 99 को मैं सिर्फ 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 999 को मैं 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9999 9999 को मैं 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो कि 17440 एक 5 डिजिट नंबर है, लेकिन जो इसके आगे है 999, ये जो है हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कैसे होगा। चलो आपको ये अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल मैं आपको ये पेंडिंग रख देता हूँ कल के लिए। आप अभी सिर्फ उन्हीं नंबर्स की प्रैक्टिस करो, मैं कुछ नंबर आपको यहाँ पे दे देता हूँ जिनको आपने ट्राई करना है इसी पैटर्न में, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे तो ये कल मैं बताऊंगा आपको। 72 × 99 कुछ नंबर इसके प्रैक्टिस के लिए देते हैं, 86 × 99, 736 × 999, 845 × 999, नेक्स्ट 386 × 999, ये आप ट्राई कर लेना। ठीक है जी, और फिर जो है कल मैं आपको जो है जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होंगे तब कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। अभी किसी बच्चे ने मैसेज डाला है कि मास्टर की समझ नहीं आई उसको, और एक बच्चे ने मेरे को भी क्वेश्चन किया है कि अगर ऑड डिजिट आ जाए 5 में तब कैसे जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑड डिजिट वाला भी आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे आप को दोबारा से मैं बता देता हूँ, 83 है, जैसे 83 ऑड है आपको उसमें से 1 माइनस करना है और फिर हाफ करना है। 83 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 82 बच जाएगा,
फिर आपको 82 का हाफ करना है 41। ऐसे यहाँ पे मैंने किया 35 में से 1 माइनस किया है 34, 34 का हाफ किया 17। ऐसे सेम मैंने यहाँ पे किया 225 में से 1 माइनस किया 224 और उसका हाफ किया तो मेरे पास जो है 112 आ गया। तो जिस भी बच्चे का क्वेश्चन है तो ये जो है ऑड में ऐसे मल्टीप्लाई होता है। मास्टर की के बारे में मैं दोबारा से बता देता हूँ। मास्टर की में मान लो आप जो है नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने जस्ट करना क्या है, पहले 15 नेम लिख लेने हैं, फिर उनके आगे सीरियल नंबर डालें 1 to 15। आप नेम किसी भी ऑर्डर में लिख लो, नो इश्यू। उसके बाद सीरियल नंबर होना चाहिए 1 to 15। ये मास्टर की है बस हमारी। जब मान लो बच्चे को आपने बोला है, किसी अपने फ्रेंड को बोला है कि एक नंबर, एक नेम सेलेक्ट करो, मान लो उसने रूही सेलेक्ट कर लिया, तो आपको रूही का सीरियल नंबर देखना है 2। फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि चेक करो क्या रूही का सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम में आता है। आप चेक कर सकते हो रूही का फर्स्ट कॉलम में नहीं आ रहा, क्या सेकंड में आ रहा है, यस सेकंड में आ रहा है, तो आपने लिख लिया कि सेकंड में आ रहा है। फिर आपने चेक करना है फोर्थ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर आपने चेक करना है डी में, थर्ड में चेक कर लिया, फोर्थ में चेक करना है, फोर्थ में डी नहीं, टू नहीं आ रहा है, आपका सिर्फ सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। 2 कौन है, रूही। ऐसे मान लो बच्चे ने बोला श्रेया, आप श्रेया जो है सीरियल नंबर 1 पे है, आप चेक करो क्या सीरियल नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है फर्स्ट कॉलम में है, यस है, सेकंड में है, नहीं है, थर्ड में है, नहीं है, फोर्थ में है, नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 सीरियल पे कौन है, श्रेया। तो इस तरीके से ये मास्टर की काम करती है। मास्टर की में आपने कुछ नहीं करना, नंबर्स तो लिखने ही है 1 to 15, साथ में 15 बच्चों के नाम लिख लेने हैं और अपने फ्रेंड को बोलना है कि इनमें से कोई एक नाम जो है वो सोच ले और फिर आपने उसको आंसर कर देना है। ठीक है जी, अभी कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन थे जो मैंने भी साथ ही साथ क्लियर कर दिए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन की एक, और उसमें भी थोड़ी कंडीशन होती है, लेकिन कल जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ऐसी होंगी जिसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, कोई भी नंबर होगा, कैसा भी नंबर होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी ये ट्रिक जो है आज की लास्ट ट्रिक होगी, कल मल्टीप्लिकेशन की 2 ट्रिक्स मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक्स बताऊंगा, स्क्वायर कैसे निकालना है, और कंक्लूडिंग डे में मैं कोशिश करूंगा कि एक बच्चे ने बोला है कि टेबल कैसे लर्न करने हैं, उनको भी मैं मेथड बता दूंगा कि कैसे वो टेबल लर्न कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लर्न तो आप नहीं कर सकते हो लेकिन लिख सकते हो, बड़े शॉर्टकट वे में मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, अभी लास्ट जो है आज की हम करते हैं ट्रिक। मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 13 into 17। ये भी एक और कंडीशनल हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन है। इसमें जो कंडीशन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है, पहले मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ आपको। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 2 to 1 होगी। अभी मैं कुछ और कर दे नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसका जो आंसर आएगा वो 616 आएगा। कैसे कर रहा हूं मैं ये, आपने करना क्या है, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन मैं अभी बताता हूँ कैसे करनी, पहले मैं कंडीशन ही बता देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप उसी टाइप के नंबर सोच पाओ। कंडीशन ये है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं इनका सम 10 होना चाहिए। जैसे आप नीचे वाले नंबर में चेक कर सकते हो 2 into 8 10। ये ट्रिक वहीं पे काम करेगा जहां पे लास्ट के 2 डिजिट का सम जो है वो 10 होगा और फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो दोनों में फर्स्ट नंबर सेम है, यहाँ पे दोनों में 2 सेम है, तो अब आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो देखिए, आपने इनके लास्ट के डिजिट जो एक्सट्रीम राइट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, आपने लिख दिया 21। फिर जो फर्स्ट नंबर है वो है 1, उसको 1 से इंक्रीज कर देना है, क्या हो गया 2। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं थोड़ा सा और आपको ये 22 into 28 से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे किया मैंने, पहले मैंने 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 16, मैंने 16 लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो नंबर है 2, इसको 1 इंक्रीज करके लिख लो और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 2 कितना हो गया 6, योर आंसर विल बी 616। मैं कुछ और आपको नंबर्स की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, 34 into 36,
आप पहले कंडीशन चेक करो, क्या पहले वाले डिजिट सेम है, यस, क्या लास्ट के दो डिजिट का सम 10 है, यस, अब आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। 4 × 6 = 24, 3 को 1 इंक्रीज किया 4, 4 को ही 3 से मल्टीप्लाई करना है 12, आपका आंसर आ जाएगा 1224। और बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं, 47 × 43, चेक करो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट डिजिट 4 है, यस, लास्ट के दो डिजिट का सम 10 है, यस, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 × 3 = 21, 4 को 1 इंक्रीज किया 5, 5 × 4 = 20, यू विल गेट योर आंसर 2021। नेक्स्ट 52 × 58, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 × 8 = 16, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 × 6 = 30। एक बार ही आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको ये इतना ईजी ट्रिक लगेगा, ठीक है, ये सारे की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ और नंबर्स की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, फिर कल दो टेक्निक्स और करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। हाँ जी, नेक्स्ट है 64 × 66, 6 × 4 = 24, 6 को 1 इंक्रीज करना है 7, 7 × 6 = 42, मतलब 1 इंक्रीज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 57 × 53, 7 × 3 = 21, 5 को 1 इंक्रीज किया 6 हो गया, 6 × 5 = 30, योर आंसर विल बी 3021। नेक्स्ट 72 × 78, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो ही कंडीशन है, पहले दो डिजिट सेम, लास्ट के दो डिजिट का टोटल 10। हाँ जी, 8 × 2 = 16, लास्ट के दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 16 हो गया, और फर्स्ट को 1 इंक्रीज करना है 8 × 7 = 56। आपको टेबल भी अच्छे से आने चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट सीखने हैं तो टेबल और स्क्वेयर, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। 89 × 81, 9 × 1, 9। हाँ जी, यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, अभी यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, 9 × 1, 9 आ गया, यहाँ पे जो लास्ट के दो डिजिट है उनकी मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट है, अगर ऐसा हो जाए तब आपने इसको टू डिजिट बनाना है, 0 खुद से प्लेस करनी है, अदरवाइज आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। 09 लिखना है, इनका देखो मल्टीप्लिकेशन 9 आया, 9 एक सिंगल डिजिट है, जितने मैंने ऊपर एग्जांपल दिए उनमें जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा था वो डबल डिजिट आ रहा था, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आ गया, तो 09 लिखना है। फिर 8 को 1 से इंक्रीज किया 9 × 8 = 72, 7209, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 97 × 93, यहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, 7 × 3 = 21, 9 को 1 इंक्रीज किया 10, 10 × 9 = 90, आपका आंसर आ जाएगा 9021। हाँ जी, और नंबर उठा लेते हैं, एक मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, 92 × 98। अब यहाँ पे भी देख लो, 2 × 8 कितना हो गया 16, 9 × 9 = 81। ऐसा भी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें जो है सिंगल डिजिट आ रहा था, ले लेते हैं, दोबारा से देख लो उसको, 9 × 1 कितना हो गया 9, सिंगल डिजिट है तो 09 खुद से लगाना है, फिर 9 को 1 से इंक्रीज करना है 7, 7 × 2 = 6, 42, 42 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, 23 × 27, 12 × 18, 14 × 16, ये छोटे छोटे नंबर हैं, और बड़े नंबर भी आप कर सकते हो, 26 × 24, बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने खुद से भी जनरेट कर सकते हो नंबर, अगर आप खुद से जनरेट करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 31 × 39, 44 × 46, 42 × 48, 51 × 59, 56 × 54, आप अपने नंबर जनरेट करना जी, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद से नंबर जनरेट कर लेना। मैं एक बड़ा नंबर देता हूँ, 96 × 94, 94। तो आपने आज ये सभी प्रैक्टिस करने अच्छे से, और कल
जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की दो ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें कंडीशन नहीं होंगी, और उसके बाद फिर हम जो है कल ही स्क्वेयर वाला स्टार्ट कर देंगे। अभी जो है हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं इसको। तो आपने जितने मैंने क्वेश्चन दिए इनको प्रैक्टिस करना है। कल एक बारी मैं आप लोगों से इन कुछ क्वेश्चन इन सभी ट्रिक्स में से पूछूंगा, भी देखता हूँ कि आप कितना इन पे काम कर रहे हो। जितना आप काम करोगे तो उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको कैलकुलेशन पास करने के दो ट्रिक्स बता दिए हैं कि एक आपको 30 तक स्क्वेयर, 30 नहीं तो 20 तक तो स्क्वेयर आपको आने चाहिए, और दूसरा आपके टेबल्स, तो टेबल भी आपको बताएंगे शॉर्टकट वे में कैसे करते हैं। तो अभी हम यही कंक्लूड करते हैं। तो सी यू टुमारो सेम टाइम विद सम मोर टेक्निक्स। बाय बाय। Thank you, sir, for an interesting session. Thank you, students.